नमस्ते, मैं मदन मोहन तिवारी, श्रमिक प्लस टू उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर के आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर चुके थे, मगर एक बार हम फिर इसको यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो एक क्विक व्यू आपको इसका दे देना चाहेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो इस टाइप का सेटअप था, और जब हम लोग सी जो है हमारा मेटलिक कैथोड है, ए मेटलिक एनोड है, क्वार्ट्ज का विंडो लिए थे, ग्लास का नहीं लेना है, ये भी हम बताए थे कि यूवी रेज ग्लास से पास नहीं कर पाता है, इसी कारण से क्वार्ट्ज का लेना है। तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाके एनोड में कलेक्टेड होगा, करंट हम लोग शो करेगा, इससे पता चल जाएगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाय वेरिंग द फ्रिक्वेंसी, बाय वेरिंग द इंटेंसिटी, ठीक है, बाय टेकिंग डिफरेंट मेटल्स एट मेटलिक कैथोड, हम लोग करेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग डिफरेंट स्टडी करने के बाद में लॉज को लिखेंगे, कौन कौन सा लॉ इसमें बन सकता है। पहले जब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, प्रोवाइडेड जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। फॉर ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लिनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अगर हम पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में, तो हम लोग ये पाते हैं कि इसका जो ग्राफ है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें L2 जो है, मतलब इंटेंसिटी L2 जो है वो ज़्यादा है L1 से, ठीक है। यहाँ पर जो कांस्टेंट हो जा रहा है लगभग, वो सेचुरेशन करंट हो रहा है। तो फॉर ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। व्हेन ऑल द फोटोइलेक्ट्रॉन्स रीचेज द प्लेट ए, करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इज नोन एज सेचुरेशन करंट। अगर हम लोग इसी को पीछे लेकर के आते हैं तो एक पॉइंट पर आकर के ये कोलैप्स कर जाता है और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा है दोनों लाइट के फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर दोनों का फ्रिक्वेंसी हम लोग फिक्स लिए थे, दोनों का इंटेंसिटी अलग अलग है, मगर सेचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेज बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ए फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द प्लेट ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। वन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं प्लेट ए को विथ रिस्पेक्ट टू सी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। जिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल में फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है उसको हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होता है इंसिडेंट लाइट का डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अफेक्ट नहीं करता है, अफेक्ट कौन करता है, फ्रिक्वेंसी करता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है और फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखते हैं आगे का, तो फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं, तो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद हम लोग फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेंगे। द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकॉज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड एंड इन टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। इस बात पर ध्यान देंगे कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अगर ज़्यादा फोटोन आके टकराएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज़्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। मगर ध्यान इस बात का देना पड़ेगा कि जो फ्रिक्वेंसी होगा इंसिडेंट लाइट का वो सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए।
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके लिए अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल ऑफ प्लेट जो एनोड प्लेट था उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का, और इस बार जो है हम लोग सेम इंटेंसिटी का लाइट ले रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। एक न्यू वन फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, दूसरा न्यू टू फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो दोनों का सेचुरेशन करंट सेम आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है सेचुरेशन करंट क्यों सेम आता है, तो सेचुरेशन करंट इसलिए सेम आता है क्योंकि दोनों लाइट की इंटेंसिटी जो थी वो सेम थी बट दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। एक का आ रहा है वी एस टू, दूसरे का वी एस वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है क्योंकि दोनों का फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पर देखते हैं, सेचुरेशन करंट हम बता चुके हैं, फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेज एंड इज सेचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, ठीक है। हाउएवर द सेचुरेशन करेंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट, सेचुरेशन करेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए सेम होता है। वेन पोटेंशियल इज डिक्रीज, जैसे पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं टेकन बिलो जीरो, अगर हम जीरो से नीचे ले जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिक्रीजेज टू जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिक्रीज करके जीरो हो जाता है बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए, ये हम लोग देखते हैं। मतलब अगर हमारा इंसिडेंट लाइट का फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आ रहा है, मगर इंटेंसिटी सेम है तो सेचुरेशन करेंट सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेचुरेशन करेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वो जो है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप ऐसे बोल सकते हैं जितना सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह का बनेगा जो मैंने यहाँ पर बना करके आपके लिए रखा हुआ है। द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इस ये क्या शो कर रहा है कि मतलब ओरिजिन से पास होता है इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी का लाइट भी पड़ेगा तो लाइट मतलब का फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिट होने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, ये शो कर रहा है। इट शोज दैट देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल हाउएवर हाई द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मे बी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैटर मेटल इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट कर रहा है मेटल उसके नेचर के ऊपर। अब है इसके बाद में लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग इतना स्टडी किए पांचों पॉइंट को इसी को एक साथ मिला करके एक लॉ बनाया जाता है। लॉ में पहला लॉ हम लोग जो है ये बोलेंगे फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मे बी, कितना ही इंटेंसिटी क्यों ना हो इंसिडेंट लाइट का, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर इंसिडेंट लाइट होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। इसके बाद द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है पर सेकेंड, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का
जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि फोटोन आके टकराया और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इंस्टेंटेनियस होता है। ऐसा नहीं होता है कि आके फोटोन आके टकराया और फोटो इलेक्ट्रॉन बाद में निकल रहा, नहीं। एज सुन एज फोटो फोटोन्स स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। जैसे फोटोन आके टकराएगा उसी समय फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये कॉलिजन होता है, कॉलिजन के कारण होता है बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉज हुए, पांच लॉ हुए, पांचों लॉ को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे, हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। पहला लॉ हुआ, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल हाउसोएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मे बी, एक हुआ। दूसरा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो इंसिडेंट लाइट के फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसमें भी प्रोवाइडेड ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और लास्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन इज वन टू वन, ये भी आप उसी से जोड़ सकते हैं लास्ट वाले पॉइंट से। वन टू वन का मतलब हुआ कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एनर्जी, प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी उसका जो एनर्जी है सर्टेन मिनिमम एनर्जी जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट टॉपिक आज का, वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या है कि आइंस्टीन साहब ने बताया कि जब कोई भी फोटोन आके टकराता है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, फ्रिक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी एच न्यू होगा, तो उसका एनर्जी दो तरह से यूज होता है। पहला, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा बचा हुआ एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वही हम लिखे हैं कि ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सर्फेस बैरियर एंड कम आउट ऑफ द मेटल सर्फेस, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज इन गिविंग ए वेलोसिटी वी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेयर एम इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, जैसे फोटोन आके टकराया जिसका एनर्जी एच न्यू है, ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए एच न्यू नॉट जिसको वर्क फंक्शन कहेंगे, और बचा हुआ एनर्जी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है। यानी कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब फाई को हम एच न्यू नॉट लिख दिए, यहीं से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।